मुझे क्यों निकाला? ये किधर ले आए हो? कहाँ हूं मैं? अड्याला। इंतजार का वक्त खत्म हुआ, हमारे अगले वजीर आजम आ गए। देखें, वक्त आ गया है कि ऐसा मुल्क बनाया जाए जहां गरीबों को इंसाफ और अमीरों को हिसाब देना पड़े। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नए पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब। हाँ बोलो सर। गैर मर्दों में जाने से पहले दुपट्टा पहन लीजिए। हमारी हुकूमत में सिर्फ लव होगा, नो फाइटिंग नो पुशिंग। अब्बा हजूर, आपने मुझे डरा ही दिया था, क्या इस बार हमें कोई वोट डालेगा? बेटा मेरी बात सुनो, जब 10 साल पहले एक पागल को सदर बना सकते हैं तो तुम्हें तो बना ही देंगे। अब्बा हजूर, प्राइम मिनिस्टर के ओथ के वक्त मैं अपनी नई वाली साड़ी पहनूंगा। बेटा प्राइम मिनिस्टर बनना है, भाई के वलीमे पे नहीं जाना, जाओ तुम्हारे डोरी मॉल लग गया। ओ हाँ। बाबा साईं, पिछली बार तो सिंपथी वोट मिल गया था, इस बार कौन वोट देगा? इस बार भी भुट्टो देगा। हाँ बोलो अयान। इस बार वटी ते तुसी मैंने जूती लेके देनी है। ओ सलाम रसूल जी। शेख साहब, मेरे पार्टी के लोगों को कह दो कि मैं जलसे के लिए तैयार हो गया हूँ। शेख साहब, पर आपकी पार्टी में तो कोई बंदा ही नहीं है। ओ जाते हुए लाइट बंद कर देना। जी शेख साहब। भाईजान आपकी बड़ी याद आती है। भाईजान इतनी याद आती है तो मुझे एयरपोर्ट पे क्यों नहीं लेने आए? भाईजान अब तो मेरे ख्वाबों में भी खलाई मखलूक आती है भाईजान। छोटे वो जस्टिस तो मेरे पीछे ही पड़ गया, पनामा से लेकर मेरा पजामा उतारने तक उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उस दिन तो यार भाईजान एक वाकई बड़ा शुअरमा दे दे। पैसे कहाँ से है? छोटा शुअरमा दे दे यार भाईजान, 1000 रुपए का लोड तो कर दे। पैसे कहाँ से है? रहने दे, वो 15 रुपए वाला लोन मंगवा लिया। करीम। पैसे कहाँ से? भाईजान वो पूछना था कि लोकल बस कहाँ से जाती है। भाईजान आप फिक्र मत कीजिए, मैं कप्तान के मुखालिफ अपना सादा ले आया हूँ। सादा क्यों लाया? भरा हुआ क्यों नहीं लाया? ये इसके मुंह पे मास्क क्यों है? वो आपके मोजों से गंदी बू आ रही थी। चलें टाइम खत्म हो गया है। भाईजान अब मैं जीत के ही लौटूंगा, मुलाकात होती है। खान साहब, शेरों के पास पैसे और तीरों के पास भुट्टो। देखो हम क्या करेंगे। परेशान मत हो, मेरे पास मेरा खोटा सिक्का है। वो कौन? साहिर होती। ओ मेरा मतलब है आमिर लियाकत। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आमिर भाई बनेंगे प्रेसिडेंट। थैंक यू शेरी। मीटिंग ओवर। खान साहब, क्या आपको लगता है कि कौम बदलना चाहती है? मेरी एक बात याद रखना, भटका हुआ इंसान हमेशा घर ही लौटता है। मौलाना साहब फिक्र कीजिए, कल इलेक्शन है। देखो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीत जाना है। जाओ मेरे लिए कवर लेके आओ, उसमें थोड़ा सा डीजल मिला देना। जाओ। खान साहब आपसे मिलने अमेरिका के सफीर आए हैं। Hey Imran, what's up? You will win. थैंक यू माइकल। शाह इनकी खातिर के लिए सामने वाली दुकान से एक गाला का टिक्की पैक पकड़ता। रहने दे खान साहब, मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। ताजा तरीन खबर ये कि 2018 के इलेक्शन कप्तान फतेह करार। जी नाजरीन, कप्तान ने दूसरी पार्टी। देखो कप्तान, जब तक तुम मेजोरिटी हासिल ना करो तुम प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकते। ये तुमने बहुत अहम तरीन बात की है। क्यों तरीन? आई एम अमीर तरीन। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मेरा नाम सलमान है। मेरा नाम आजाद है। शुक्र है मैं आजाद। बेटा तुम किधर? मुझे क्यों निकाला? हमारे बगैर तुम कैसे हुकूमत बनाओगे? इतने मेंस, वाओ। रुक जाओ, अब कौन है?
پچھلے 70 سالوں میں تم لوگوں نے فیصلے لیے ہیں اور ہم نے بھگتا ہے، اس بار فیصلہ ہمارا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں، لیڈیز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کو نیا پاکستان مبارک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لڑکوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کی ویڈیو لائک کیجیے، ان کا چینل سبسکرائب کیجیے۔ مسٹر پرائم منسٹر، وہ آپ کا بیگم کا آفس میں بڑا غصے والا فون آیا ہے۔ او تیری، پاکستان زندہ باد۔